कहते हैं कि प्यार, उम्र, रंग अमीरी से नहीं बल्कि दो दिलों के पवित्र मिलन से होता है। ये प्यार कब, कहाँ, कैसे और किससे हो जाए ये कोई नहीं जानता। शायद इसलिए कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। कुछ ऐसा ही मामला बिहार के रोहतास जिले से आ रहा है, जहां वाराणसी के रहने वाले एक युवक को रोहतास की एक शादीशुदा महिला से फेसबुक पर ही प्यार हो जाता है। लेकिन जब वो अपनी प्रेमिका से मिलने रोहतास आता है तो उसकी ही प्रेमिका और उसके सहयोगी उसका अपहरण कर लेते हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है बता रही है रोहतास SP आशीष भारती, सुनिए। एक व्यक्ति जिनका नाम अमित कुमार पांडे है, उनके बारे में उनके भाई अतुल पांडे के द्वारा यह बतलाया गया कि वो अमित पांडे 4 नवंबर 2022 को बनारस से सासाराम ट्रेन के माध्यम से आया तथा उसके बाद सासाराम से विक्रमगंज एक व्यक्ति से मिलने के लिए गया था इंदिरा नगर में, और उसके बाद उसका वहां से अपहरण कर लिया गया। इस मामले में पुलिस को जानकारी अगले दिन 5 तारीख को मिली, और जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस टीम के द्वारा इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा इसमें जो व्यक्ति हैं उनकी सकुशल बरामदगी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया तथा छापेमारी प्रारंभ की गई। इस मामले में यह जानकारी मिली कि जो व्यक्ति हैं अमित पांडे, वो एक फेसबुक के माध्यम से एक महिला से उनकी दोस्ती हुई थी और लगभग विगत 4 सालों से फेसबुक के माध्यम से बात होती थी, और उसी महिला से मिलने के लिए वो विक्रमगंज आए थे, और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो महिला के जो कि शादीशुदा है उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा उक्त व्यक्ति को अपहरण करके वहाँ से भोजपुर जिला के अगियाँव बाजार में अमेता गांव ले जाया गया, जहाँ पे उसको रखे हुए थे। पुलिस को के द्वारा इस मामले में अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा था, जिस क्रम में जानकारी मिली कि वो भोजपुर में रखे गए हैं। भोजपुर पुलिस से इस संबंध में संपर्क किया गया और भोजपुर पुलिस के सहयोग से वहाँ से जो अपहृत व्यक्ति हैं अमित पांडे, उनकी सकुशल बरामदगी की गई है तथा वहाँ से एक अपराधकर्मी जिसका नाम है जयराम खरवार, उसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 4 ताला भी बरामद किया गया है। अभी तक जो अनुसंधान क्रम में ये बात प्रकाश में आई है कि फेसबुक पर प्रेम प्रसंग के कारण जो विक्रमगंज की रहने वाली महिला से जो ये मिलने आए थे, उसके द्वारा अपने अन्य सहयोगी के साथ मिल करके इस घटना को कारित कराया गया था तथा जो अपहृत व्यक्ति हैं उनको भोजपुर में छुपा करके रखा गया था। जो हथियार बरामद हुआ है उसके संबंध में अगियाँव बाजार थाना में एक अलग से कांड दर्ज किया गया है, जिसका कांड संख्या है 171/22। इस प्रकार से जो अपहृत व्यक्ति हैं उनकी सकुशल बरामदगी कर ली गई है तथा इस घटना में शामिल जो अपराधकर्मी हैं उनकी शिनाख्त करके उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी किया जा रहा है। तो आपने SP को सुना कि कैसे प्रेम प्रसंग में पड़े वाराणसी के रहने वाले अमित कुमार पांडे पिछले 4 नवंबर 2022 को ट्रेन से सासाराम आया और सासाराम से बस के माध्यम से विक्रमगंज अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया, जहां शादीशुदा प्रेमिका द्वारा ही अपने अन्य सहयोगियों से मिलकर अमित कुमार पांडे का अपहरण करवा दिया गया था। उक्त मामले में रोहतास पुलिस के द्वारा अन्य अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही अपहरित की प्रेमिका सहित अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।